उज्जैन जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किए जा रहे दिव्यांग सम्मेलन के आज प्रथम दिन दूल्हा दुल्हन अपने परिजनों के साथ इंदौर रोड स्थित मेघदूत गार्डन पहुंचे, जहां आज गणेश पूजन, मेहंदी, हल्दी सहित महिला संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आनंदक भी मौजूद थे। करीब 121 जोड़े जिला प्रशासन की ओर से तय किए गए थे, लेकिन उससे ज्यादा ही जोड़ों का निकाह और विवाह आयोजित किया जाएगा। इस दिव्यांग सम्मेलन की पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। आज पहले दिन दूल्हा दुल्हन के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिली। वहीं आनंदकों ने भी मेहंदी और हल्दी की रस्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो महिला संगीत में अलग अलग कथक नृत्यांगनाओं ने अपनी आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी। दिव्यांग विवाह सम्मेलन या मेघदूत होटल में हम करने जा रहे हैं। हमारा टारगेट था 121 जोड़े का, लेकिन भगवान महाकाल के आशीर्वाद से 122 जोड़े हो चुके हैं और करीब उसमें 9 निकाह हैं। किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर जुटाई गई है, क्या क्या दिया जाएगा? करीब करीब हर आनंदक ने उज्जैन जिले से करीब करीब 1 लाख से 2 लाख तक आइटम अपने आनंदक सब दे रहे हैं, और प्रशासन की ओर से जो सरकार से मिलता है जो 51,000 रुपये वो भी दिए जाएंगे, और होटल में होटल की व्यवस्था निशुल्क मेघदूत होटल ने की है, भोजन की व्यवस्था हमारे जय गुरुदेव ने की है। आज क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं? आज अभी दूल्हा दुल्हन को हल्दी मेहंदी की रस्म पूरी हुई है। रिश्ता हमने खुद नहीं ढूंढा है, बाकी ये सब आंगनवाड़ी वाली मैडम है, जो गजाला मैडम है, उनने हमें बताया कि आप यहाँ पे शादी करो, इसकी तो अच्छी रहेगा। कितने खुश हैं आप यहाँ पर शादी हो रही है? बहुत बहुत खुश हैं हम। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, पूरी व्यवस्था है। भोजन भोजन सब अच्छा लगा। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा रेखा कुराड़िया। हम लोगों को ये जो रिश्ता है वो सेवाधाम आश्रम से मिला था और हम लोग बहुत खुश हैं इस रिश्ते से। सेवाधाम आश्रम की हम लड़की लेकर के अपने घर जाएंगे और बहुत ही सक्षम और बहुत सुशील लड़की है जो हमने देखी है। और ये जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, ये जो भी सर ने यहाँ जो आयोजन रखा है, सभी लोगों ने मिलकर, जितनी भी संस्थाओं ने यहाँ मिलकर आयोजन रखा है, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत शानदार आयोजन रखा है।